बेटी तुमसे ज्यादा बेचैन तो मैं हूं अपने बचपन के दोस्त रमाकांत से मिलने के लिए। न जाने मुझे तार देकर क्यों बुलाया है दार्जिलिंग। बाबा आप तो चाचा से बातें करते रहेंगे, मैं वहां क्या करूंगी? तुम शंकर से खेलना बेटी। कौन शंकर? रमाकांत जी का बेटा, बिल्कुल तेरे जितना। बस तो फिर ठीक है, बाबा और चाचा, शोभना और शंकर। बाबा दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है ना? बहुत अच्छी है बेटी, और बहुत ऊंची भी। बर्फ से ढके हुए पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी ठंडी हवा। बस तो फिर मजा आ जाएगा दार्जिलिंग में। बहुत मजा आएगा। वो देखो, अच्छा वो आप कब आए थे? मैं परसों आया। नमस्ते करी। रमाकांत कहाँ है? जी अंदर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाबा। यही शंकर है ना? हाँ बेटे, कितना बड़ा हो गया है। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? शोभना। वेरी गुड। चलिए अंदर चलिए। आओ बेटे, तुम मेरे साथ। रमाकांत देखो कौन आया है। शिवनाथ। रमाकांत भैया। शिवनाथ मेरे दोस्त। कैसे हो रमाकांत? ठीक। तुमने बुलाया था कि बचपन के दोस्त कुछ दिन मिल बैठेंगे। क्या मालूम था कि अचानक दिल का दौरा पड़ जाएगा। तुम अच्छे हो जाओगे रमाकांत। अब अच्छा ना भी हुआ तो कोई गम नहीं। शिवनाथ जो मेरे पास है। शिवनाथ, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने अपने बेटे शंकर की सगाई हितेंद्र की बेटी रीता से तय कर दी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हितेंद्र बाबू, आपका टेलीफोन। शिवनाथ, शंकर की शादी रीता से हो, ये मेरी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी। उसकी ख्वाहिश मैं तो पूरी ना कर सका, अब तुम्हें पूरी करनी होगी शिवनाथ। ऐसी बातें ना करो रमाकांत, शंकर को दूल्हा तुम अपने हाथों से बनाओगे। ऐसा होना तो मैं अपनी वसीयत में तुम्हारा नाम क्यों लिखवाता? मेरा नाम क्यों रमाकांत? बताता। देखो सामने अलमारी में हरी फाइल है, उसमें मेरी वसीयत, उसे ले।
रमाकांत, रमाकांत, जतिन। हाँ शंकर, मैं ठीक कहती हूँ। बाबूजी ने बताया है, जो मर जाते हैं, वो सितारे बन जाते हैं, ताकि उनके बच्चे उनको रोज देख सके। लेकिन शोभना, ये सितारे तो कभी कभी टूट जाते हैं। जब कोई रोता है ना, तो रोने से सितारे टूट जाते हैं। तुम रो मत शंकर, अब मैं कभी नहीं रोऊंगा शोभना। बस बेटा, बस बस। रमाकांत का बेटा मेरा बेटा है जिन बाबू, आप उसकी चिंता न करें। मैं एक महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, शंकर की देखभाल मैं करूंगा। बिजनेस का चक्कर ना होता तो मैं भी रुक जाता, लेकिन मेरा कलकत्ते जाना बहुत जरूरी है। आप ठीक वक्त पे आ गए शिवनाथ बाबू। क्या ठीक वक्त पर आया? मैं दोस्त से मिलने आया था, बिछड़ने नहीं। आइए। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? हाँ शिवनाथ बाबू, रमाकांत जी ने इस वसीयत में आपको अपनी जायदाद का ट्रस्टी मुकर्रर किया है, अब आपको यहीं रहना होगा। आप चलिए ना, कितनी देर है? कमिंग डार्लिंग, कमिंग। Very had a little lamb, its fleece was white as snow. Mary, you are Mary. May I ask you, यानी मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि हमारा डार्लिंग डार्लिंग वाइफ अपने डियर डियर हस्बैंड मिस्टर जोसफ महेंद्र सिंह बहादुर मैनेजर ग्रीनफील्ड टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कहाँ जाना चाहते हैं? हम शंकर और शोभना को देखने जाता है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काश हमारा भी छोटा छोटा बाबा लोग होता, एक छोटा सा जोसफ महेंद्र सिंह बहादुर जो तुम्हें मम्मी कहकर पकड़ लेता। बट द फैक्ट इज बाबा लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी टॉफी, मेरी टॉफी। चुप रहो, सबको देते हैं, सबको। लो बच्चे लोग आ गए। हाँ हाँ, बच्चे लोग तो आ गए, मगर आपने नहीं। ये सब अपने ही तो हैं। ओह यस यस यस, वेरी गुड। अब चलिए। चलो बाबा चलो, हम भी बच्चा लोग हैं, हमको भी टॉफी देना। हाँ रास्ते में। शोभना, हम रोज यहाँ आकर अपना अपना नाम लिखा करेंगे। रोज कैसे, हमें तो चले जाना है। अरे कहीं नहीं चले जाना है, चाचा जी तो अब यही रहेंगे। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। मैं कभी यहाँ से नहीं जाऊंगी, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम हर रोज यहाँ आकर शंकर शोभना दिखा करेंगे। क्यों शंकर? अरे कहाँ चला गया शंकर? I'm a born tea planter sir, यानी कि मैं पैदाइशी चाय उगाने वाला हूँ। My mother gave me birth, यानी कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। When she was plucking the tea leaves, जबकि वो तोड़ रही थी चाय की पत्ती। I understand English, Joseph. Oh, I'm sorry. Very sorry, sir. हम आपको चाय की पत्ती तोड़ने से लेकर चाय पीने तक एक दिन में समझा देगा सर। हम आपकी लाइफ बना देगा सर। तुम बहुत बोलते हो जोसेफ। I'm again sorry, sir. हमारी लाइफ बनाने की जरूरत नहीं, जरा इस काम में हमारी मदद कर दो, हम बिल्कुल नए। लेकिन जोसफ महेंद्र सिंह बहादुर तो नया नहीं है सर। जब तक जोसफ लिविंग है, आई एम सॉरी फिर अंग्रेजी बोल दी, यानी कि जोसफ जब तक जिंदा है आपको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो सो जाना चाहिए, वो भी कलकत्ते जाकर सो जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सब समझा दूंगा। Thank you.
शोभना है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या होगा आगे अल्लाह जाने। इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरे उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे।
शंकर बाबू वाह, सगाई उधर कलकत्ते में मिस रीटा देवी के साथ और रोमांस यानी कि इश्क इधर दार्जिलिंग में मिस शोभना देवी के साथ। अरे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। ये कौन आ गया भाई? ए मंजूशा किधर जाता है? देखो तुम्हारे पर हमारे चार बोतल का पैसा बाकी है। क्या बेसुरी शहनाई बजा रहे हो? आहिस्ता बोलो, चार बोतल का पैसा बाकी है तो क्या हुआ? मर तो नहीं चला, इज्जत वाला आदमी। एमएन जैसा तुम बात बहुत बनाता है। देखो गुरु साहब, हमने चाय का एक सौदा जमाया है, इधर चाय का ट्रक फैक्ट्री से बाहर और उधर हरा हरा नोट जेब के अंदर। अच्छा? देखो तुम्हारा चार बोतल का पैसा देना है ना? सिर्फ चार बोतल? तो डार्लिंग एक बोतल मुझे आज और दे दो तो परसों आकर पांच बोतल का टोटल पैसा ले लूं। तब तो चलो एमएन जैसा। नमस्ते दादा जी। ये देखिए, चाचा जी इस मकान में पांच रूम होंगे, ये दो बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम और इसके साथ ये किचन। और ये जो ड्राइंग रूम है ना, इसकी खिड़की बिल्कुल टी गार्डन के सामने खुलेगी। नक्शा तो अच्छा है शंकर। पसंद है ना आपको? लेकिन बात क्या है शंकर, तुम्हारे बंगले में क्या कमी है जो ये नहीं? नहीं चाचा जी, ये तो मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, आप मेरे साथ उस बंगले में तो रहते नहीं। चाचा जी आप मेरे पिता समान हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उस बंगले में रहूं और आप इस आउट हाउस में रहें। बेटा हम दोनों में थोड़ा फर्क है ना? कैसा फर्क? मेरा मतलब है तुम मालिक हो, मैं ट्रस्टी। मैं तो आज तक यही समझता था कि आप ही मालिक हैं और आप ही ट्रस्टी। चाचा जी आपको इस मकान की मंजूरी देनी होगी। नहीं बेटा, तो मैं जबरदस्ती करूंगा। मतलब? मैं आपको बोनस दूंगा। आप मुझे बोनस देने से तो नहीं रोक सकते ना? बोनस तो सबको देना। बोनस मैं सबको दे दूंगा, मुझे रुपए की लालच नहीं। मुझे रुपया करना भी क्या है, अकेली जान तो हूँ। दूसरी जान भी तो आ रही है, मैं रुपया लुटाने नहीं दूंगा, ये मेरा फर्ज है। सब आपके फर्ज है, आपका हक कोई नहीं है कि इस एस्टेट में कोई फजूल खर्ची ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप खूब फजूल खर्ची करें। बाप को बेटे की सुननी होगी या बेटे को बाप की? ठीक है, मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं कहूंगा। बस नाराज हो गए? आपको मेरी नाराजगी की परवाह भी क्या है? शंकर अरे सुन तो, छी 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 छी, फिर वही बात। ये नाश्ते का टाइम है जनाब, धूम्रपान का नहीं। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि सुबह से आप कहाँ थे? जरूरी काम था मुझे। जरूरी काम था? कारोबार पिताजी संभालते हैं और ये घर मैं संभालती हूँ। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको कौन सा जरूरी काम था? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझसे ये पूछने वाली आप कौन होती? अच्छा जी, मैं कौन होती हूँ? जी हाँ बोलिए ना, आप कौन हैं? आप मेरी अपनी बनती हैं और आपके पिताजी पराये बने हुए हैं। समझते हैं कि वो एक तनख्वाहदार मैनेजर हैं, ट्रस्टी हैं। कहते हैं कि उनकी पोजीशन छोटी है मुझसे। अच्छा, वो सच्ची तो कहते हैं। और तुम्हारी पोजीशन? मेरी पोजीशन? मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। एक बहुत बड़े साहब एक बहुत बड़े बंगले में अकेले बेसहारा रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। ड्यूटी? ड्यूटी? इस ड्यूटी के लग से तंग आ गया। मुझे ड्यूटी नहीं, कुछ और चाहिए। मेरा मतलब है शोभना, मुझे आत्मा चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। तो क्या इंग्लिश में समझाऊं? मुझे ड्यूटी नहीं ब्यूटी, आई मीन ब्यूटी ऑफ सोल चाहिए मुझे। शोभना सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी मेरा नाश्ता। नाश्ता खुद ही ले लेना, तुम्हें ड्यूटी अच्छी नहीं लगती ना। लेकिन सुनो तो। सॉरी आंटी, साहब बहादुर को जरा नाश्ता दे देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। दे दूंगी नाश्ता, जल्दी जाऊं, मुझे भूख लगी है। आज का पेपर बहुत अच्छा था ना? आ गए वो, क्या म्यूजिकल कॉल है। तशरीफ ले जाइए, आपके वो आ गए।
तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ही चला आया। मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी। मुझे फुर्सत नहीं। मुझे बहुत फुर्सत है। मेरे दोस्त लोग देख रहे, छोड़ मेरा हाथ। शोभना, सीधी तरह मेरे साथ चली चलो, वरना आज हरण हो जाएगा। क्या मतलब? हरण का मतलब नहीं जानती? इंग्लिश कॉलेज में पढ़ती हो ना, हरण को इंग्लिश में किडनैपिंग, फारसी में अगवा और उर्दू में भगा लेना कहते हैं, समझी? चलो आओ। बदमाश। बैठो शोभना। जी शोभना, बात यह है कि खाओगी? नो थैंक्स। हाँ फिर? तुम्हें मालूम है शोभना कि बचपन में हम इकट्ठे खेलते रहे, और तुम्हें यह भी मालूम है कि अब हम बड़े हो गए। मालूम है, मगर तुम्हें वो बात मालूम नहीं जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। टाइम क्या है जी? 4:20। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अपनी आंखों से देख लो। शुक्रिया शुक्रिया। कहां से चले आते हैं? हाँ तो शोभना, बात छोटी सी, एक मिनट की। माफ कीजिए, आपकी घड़ी किस मेक की है? रोलेक्स। रोलेक्स, वाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मेरे पिताजी भी रोलेक्स मानते थे और पूरे 20 साल चली थी। हाँ अगर आप भी चलें तो मैं आपको 2 रोलेक्स घड़ियां दूंगा। आपका एड्रेस क्या है जी? मैं कब आऊं जी? मैंने आपको खसकाने के लिए कहा है, आने की कोई जरूरत नहीं। ये आता ही कौन है? क्या आपने मुझे भिखारी समझा? देखो मिस्टर, मैं दान नहीं लेता, मैं सरचमचा प्रसाद कालू राम का पोता हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम अपने आप को समझते क्या? बड़े आए दार्जिलिंग के हातिम ताई। कसूर हो गया बाबा, माफ कर दो, मैं जरा प्राइवेट बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कहो ना, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बोर। चलो कहीं और चलें। चल हाँ जी, तो आप कह रहे थे कि हम बड़े हो गए, फिर क्या हुआ? इतनी बेपरवाही से ना पूछो शोभना, जरा डूब कर पूछो, जरा खो कर पूछो। इधर देखो। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, मेरी कविता जन्म ले रही है। आप कौन है? महाकवि अशांत, आप फिर एक बार इनको इसी तरह देख। आह आह, मैं न मिले चैन का, ऐसा लगता है जैसे आप इन्हें नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूं। आप इनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, मैं प्रेम कर रहा हूं जी। हम प्रेम प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। अशांत जी, शांत होकर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ले जाइए। उफ, सारी कविता का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश? देखो शोभना, मुझे जो कुछ कहना है मैं जल्दी से कह डालूंगा। बात यह है कि हिलिए मत, हिलिए मत। उफ, अब आपका क्या तकलीफ है? तकलीफ कैसे, मजा आ रहा है, मुझे बलवंत पेंटर कहते हैं। आह क्या डेप्थ है, क्या नजारा है। आह प्रेम और रूप, बस दिल्ली की नुमाइश में भेजने के लिए आज पेंटिंग मिल गई। आप जाइए पेंटर साहब, वरना मैं आपको कार्टून बना के दिल्ली की नुमाइश में भेजूंगा। शोभना कहाँ गई? शोभना
भूल गया, कल दूंगा तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, अगर ट्रक भी कल ही चले तो चलेगा। नहीं ना, देखो भाई बात यह है कि इस हाथ दे उस हाथ ले, हमको उधार अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैं सब जानता हूँ मेरी जान, तुम पैसे निकालो, ये काम अच्छा नहीं है। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, देखो देखो कहीं ना कहीं जरूर होगा। हाँ भाई पे भी एतबार नहीं किया है ना, हमको मालूम था कि तुम हमको जोक मारता है। लीजिए मत बोलिए, आदत लग रही है। सौ के दो पत्ते? हाँ। ये तो दो बाटली का खर्चा है हमारा। मालूम है हमने तुमको चाय कौन सा दिया है? ग्रीन फील्ड क्वालिटी नंबर वन। दो पत्तों से काम नहीं चलेगा भाई। तो फिर क्या चाहिए? कम से कम 500, यानी कि 500 कौन ले? 500? देखो मिस्टर, हम ये बेईमानी का पैसा घर लेकर नहीं जाता, ना इससे राशन लेता है, ना इससे कपड़ा लेता है, सिर्फ बाटली लेता है। भाई ये 30 मगलिंग यानी कि चाय की चोरे हर रोज थोड़ी होती है, कभी कभार महीने में एक आध बार हो गई तो हो गई। यार तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं जरा हाई क्लास पीता हूँ, किंग ऑफ किंग्स, इसलिए पत्ते भी जरा हाई क्लास मांगता है, अंडरस्टैंड? अब जल्दी से हाई क्लास पत्ते निकालो। मिस्टर जोसेफ, तुम कुछ ज्यादा होशियार आदमी है। यानी कि टू फ्लेवर? यस, आई डोंट माइंड, मगर पत्ते निकालो तो। वन टू थ्री फोर, एक पत्ता अगले महीने का एडवांस? नहीं नहीं नहीं, वापस ले लो। देखा कितना मस्त हो गया। अब ऐसे करो, गो डाउन टू बीच चाय कर रख, नाउ यू कैन गो, यानी कि अब तुम चाह सकते हो। थैंक यू। Mary had a little lamb who used to drink like fish, who used
used to drink like pee. रोको गाड़ी। क्या है? गेट पास दिखाओ। है साफ है, गेट पास है। इस माल के जो तुमने पैसे दिए उसकी रसीद दिखाओ। रसीद मैनेजर से लो, जोसेफ के पास। रसीद पर दस्तखत हमारे होते हैं, मैनेजर के नहीं। वो हम कुछ नहीं जानते। जाओ जाओ, चलाओ गाड़ी। हिम्मत है गाड़ी चलाने की? चलाओ गाड़ी। मैं कहता हूँ हटो सामने से। पहले माल उतारो। माल उतारो, पैसे दिए पैसे, हटो सामने से। नहीं हटता, नहीं हटता। नीचे उतरो, जलील कमीने कहेंगे। शंकर इस गरीब का क्या कसूर है? क्या हुआ शंकर? कुछ नहीं, तुम लोग ट्रक से माल उतार कर गोदाम में ले जाओ। बहुत अच्छा, जाओ। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है चाचा जी? इसकी तो तहकीकात करनी होगी बेटा। खैर ये आपका मामला है, लेकिन चाचा जी थोड़े से माल के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए? बेटा मैंने रमाकांत को वचन दिया था, मैं उसकी जायदाद की देखभाल करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए। अब तुम ही बताओ, ये माल चला जाता तो मैं अपने दोस्त की आत्मा को क्या जवाब देता? चाचा जी अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने पिता की आत्मा को क्या जवाब देता? किसी के गुनाहों की सजा आप क्यों भुगते हैं? ये हमारे फैक्ट्री के ही किसी आदमी का काम है। बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते बेटा, मैं पूरी छानबीन करूंगा। तुम जाओ जाओ। मेरे शौहर की बुराइयों को माफ कर दो, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मेरी दुआ कबूल करो। प्रार्थना हो गई मेरी? हाँ बाबूजी, आप यहाँ? मेरी, मैं भी वही प्रार्थना करता हूँ जो तुम अभी कर रही थी। क्या हुआ? क्या मेरे हस्बैंड से कोई भूल हो गई बाबूजी? वो बड़ा खुश नसीब है। कैसे? जिसे तुम जैसी देवी मिली है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी एक स्त्री बड़ी ईश्वर भक्त थी, उसका बेटा नास्तिक था, भगवान को गालियां दिया करता था। उस स्त्री की मौत हो गई, लड़के ने फिर भगवान को गाली दी। आकाशवाणी हुई, खबरदार, हम तेरी माँ की वजह से खामोश रहते थे, अब वो मर चुकी। समझी, उन्होंने क्या किया है? रिश्वत लेकर फैक्ट्री का माल चोरों के हवाले कर दिया। बाबूजी, तुम तो जानती हो मेरी, ये सारी जायदाद मेरे सर पर रमाकांत का कर्ज है। इसमें एक पैसे का नुकसान भी हो जाए तो मेरे दोस्त की आत्मा मुझ पर लानत भेजेगी। आखिर ये सब कुछ मुझे कल शंकर को सौंपना है, मैं क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा? मैं जानती हूँ बाबूजी, पर इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। मेरी, अगर तुम जोसेफ की बीवी ना होती तो आज जोसेफ जेल में होता। आज मैं उसे माफ करता हूँ, मगर जोसेफ से कह देना कि इतना आगे ना बढ़े कि मैं मेरी को भी भूल जाने पर मजबूर हो जाऊं। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरे मेरे डियर, मैं तुम रो क्यों रही हो? मैं यू आर क्राइंग। देखो मेरी, मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? तुमने कंपनी से बेईमानी की। कौन बोला? बड़े बाबूजी। बड़े बाबूजी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू नहीं जानती कि आजकल वो क्या कर रहा है। मैं उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। उन्होंने ठीक कहा, तुमने रिश्वत खाई है। रिश्वत कोई बिस्कुट है जो मैं खा गया हूँ? सब झूठ है, सब झूठ है। तो आ मेरे साथ, खुदावत यीशु मसीह को हाथ लगाकर कहो कि ये सब झूठ है। बस हाँ, बात
देखो मेरी रिलीजन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग, यानी कि मजहब और कारोबार दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स करने वाला हमेशा भूखा मरता है। खुदा ने सबको खाना देने का वादा किया है। हाँ, मानता हूँ कि खुदा ने सबको खाना देने का वादा किया है, लेकिन पीने का बंदोबस्त तो आदमी को खुद ही करना पड़ता है, ड्रिंकिंग अरेंजमेंट। तो तुमने शराब पीने के लिए रिश्वत खाई? कितनी बार कसम खा चुके हो कि तुम शराब नहीं पियो। मेरे बात थैंक यू। हाँ मेरी, मैंने कई बार झूठी कसमें खाई है, लेकिन अब की बार मैं पूरी कोशिश करूँगा। डालेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा, माय बेस्ट। हमेशा तुम यही कहते हो। सुनो मेरी मेरी प्लीज, गिव मी वन चांस मोर, फिर मैं कभी नहीं पीऊँगा। मैं आखिरी बार कसम खाता हूँ कि मैं, देखो मेरी, अगर मैं कभी कभार गलती से एक आध पैग पी भी जाऊँ ना, तो मुझे छोड़कर नहीं जाना, कभी मुझे छोड़ना नहीं है। आई लव यू, आई लव यू। तो तुम मानोगे नहीं? लो, मान गया, बिल्कुल मान गया। फॉरगिव मी, माफ कर दिया ना। ठीक है, तो फिर हंसो हंसो, मुस्कुराओ, स्माइल स्माइल स्माइल, ब्रॉड स्माइल। मैरी हैड अ लिटिल लैम, It flees my white as snow. Mary gave me a smile very sweet. बातें छोड़ो रीटा, अब तो तुम्हें घर की सेवा करनी चाहिए, यानी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी, शंकर को तो तुम जानती ही हो, तुम तो 5 साल इंग्लैंड रही, इस अरसे में कितना बड़ा हो गया है वो। ये देखो उसकी तस्वीर। क्यों, पसंद आया दूल्हा? Quite handsome. तो शादी का मुहूर्त निकलवा के लिख दो उन लोगों को। इतनी भी क्या जल्दी है डैडी, अभी तो मुझे कल्चरल डेलीगेशन के साथ 1 महीने के लिए रशिया जाना है। अच्छा अच्छा, तो लिख देता हूँ, शादी जाड़े में होगी। ठीक है डैडी, सूट्स मी। अच्छा बेटी, तुम जाओ आराम करो। अच्छा बेटी। शोभना, तुम मुझे हमेशा टालती क्यों रहती हो? तुम मुझे टालती क्यों रहती हो? बताती हूँ। बताओ। जानते हो, कल एक अजीब वाक्या हुआ। क्या? कल रात हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान आया और आते ही मेरा हाथ थाम लिया। हाथ थाम लिया? फिर? और कहने लगा, मैं नाजुक हाथों में मेहंदी लगाना चाहता हूँ, मैं इस मांग में चांद सितारे भरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुल्हन बनाना चाहता हूँ। दुल्हन बनाना चाहता? तो तुमने इनकार कर दिया ना? इनकार? मैं कैसे इनकार करती? क्यों? जानती हो वो नौजवान कौन था? कौन था? तुम। ओ, मैं? लेकिन लेकिन मैं तो कल तुमसे मिला ही नहीं। तो थी। कहाँ? बोलो ना। बोलो। ओ, सपना। लेकिन ये सपना यही खत्म नहीं हुआ। सपना? तो तुम्हें अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है। अंगूठी। हाँ।
के पहनाने का मतलब जानते हो? जानता हूँ। क्या? शादी। अब तो विश्वास हुआ। लेकिन दुनिया इसे मेरे पास रहने देगी या नहीं? कौन जाने? मैंने तो यही सुना है शंकर, मोहब्बत की राह पर चलने वालों की तकदीर में प्यार की हरियाली नहीं कांटों भरा रास्ता होता है।
तू बतला तुझको है पता जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। तारा नहीं टूटा ये क्या कम है कभी मुझसे मेरा बचपन नहीं रूठा। मेरी रातों के पहले ख्वाब का तारा नहीं टूटा ये क्या कम है कभी मुझसे मेरा बचपन नहीं रूठा। आग और पानी एक है मुझको दिल में है जब तक प्यार तेरा जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। अंदर चलो आओ ना। नहीं मुझे बहुत मजा आ रहा है। डर गई? लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से इलाही ये घटा दो दिन तो बरसे। क्या सर्दी क्या हुआ क्या मुसीबत काले से कुछ दूरी पर अचानक हमारी गाड़ी खराब होगी कुछ वर्कर्स भेजकर जल्दी हूँ। कोई बात नहीं मैं खुद ही जाता हूँ। कोई बात नहीं मेरी जल्दी से चाय लाओ और पुरानी लाओ। देखो बाहर आए हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। ये मेरी शादी का काम इतनी खूबसूरत लगती है बिल्कुल दुल्हन जैसे। चलो आंटी शर्माती क्यों हो अब तो तुम्हारे भी दिन आ रहे हैं शादी का जोड़ा पहनने। तुम भी कैसा मजाक करती हो ये अंगूठी किसने दी है एक ही तो है। क्या कहने बहुत अच्छी लग रही है चश्मे बदूर। फिर वही बात जानते हो ये मेरी आंटी की शादी का गाउन है पसंद है। आंटी बहुत समझदार है वो तुमसे कहना चाहती हैं कि तुम शादी करो। शादी लेकिन शादी करूं भी तो किससे करूं? जो भी लड़का तुम्हें पसंद हो। जो भी लड़का पसंद हो हाँ
लेकिन एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मुझे जो लड़का पसंद है ना, वो जरा पागल है। मैं मारूंगा। पागल है। मैं पागल हूँ। सर, सर, आई एम वेरी सॉरी सर, जीप तैयार होगी, मैं लेकर आया हूँ। हाँ, अरे मेरा मुंह क्या देखते हो? देखते नहीं, साहब बहादुर जरा बिजी हैं, चलो चलो फिर आएंगे। अच्छा सर, हम जाते हैं, फिर आएंगे। चलो और मजे की बात ये है कि शिवनाथ बाबू अपने आप को बड़ा क्लेवर यानी कि होशियार समझता है। हमारी वाइफ मिसेस मेरी जोशु महेंद्र सिंह बहादुर को कहने लगा कि जोशु पैसा खाता है। जोशु जब पैसा खाएगा तभी खाएगा, लेकिन वो तो सारी जायदाद यानी कि अच्छी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है। मालूम है कैसे? यस, मालूम है। कैसे? अपनी बेटी शोभना की शादी शंकर से करके। मैंने सुना है कि रमाकांत बाबू मरने से पहले शंकर की शादी किसी और जगह तय कर गए। नहीं नहीं जोसेफ साहब, ऐसा नहीं हो सकता। फ्राइडे टू फ्राइडे यानी जुम्मा जुम्मा, 8 दिन की पैदाइश, और हमें कैसे नहीं हो सकता। माय चाइल्ड यू आर जस्ट बॉर्न। देखो बेटे, शराब मत पिया करो, है तुम्हारा दिमाग फेल हो जाता है, समझ गए? मेरी बात गौर से सुनो, ये शिवनाथ जो है ना, उसकी बेटी शोभना अपने बाप के इशारे के ऊपर शंकर को पास रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब फिर कहता नहीं नहीं नहीं, तू कैसा आदमी है भाई? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। पैदाइशी चाय उगाने वाला हूँ, अंडरस्टैंड? रीटा पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से आ गई है। मेरा विचार रीटा और शंकर की शादी इस जाड़े में निपटा देने का है। आशा है आप मेरे विचार से सहमत होंगे। मैं सारा इंतजाम आप पर छोड़ता हूँ। आपका हितेंद्र। अरे राजू, कुछ सुना तुमने? क्या? वो बड़े बाबू है ना, उनकी लड़की और शंकर बाबू। अरे क्या बोल रहा है वीर सिंह? सच कह रहा हूँ यार। चुप चुप क्या, सभी तो जानते हैं। हुकुम सरकार, इधर आओ। जी क्या बात है वीर सिंह? जी कुछ नहीं बाबूजी। सच सही बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी लोग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? शोभना दीदी और शंकर बाबू आपस में। क्या? जी बाबूजी। किसने कहा तुमसे? सभी कहते हैं बाबूजी। अच्छा तुम जाओ। शिवनाथ बाबू आइए। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते, इसे रखिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। फरमाइए, बैठिए। जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ शिवनाथ बाबू, वो अच्छी नहीं। कैसी चर्चा शर्मा जी? यही शोभना और शंकर के बारे में। क्या सुना आपने? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके स्वर्गवासी दोस्त की ख्वाहिश के मुताबिक शंकर और रीता की शादी कर देना आपका फर्ज है। मैं रमाकांत जी का दोस्त न सही, लेकिन मैंने बरसों उनका नमक खाया है, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये सब झूठ है शर्मा जी। लेकिन सारी दुनिया तो झूठ नहीं कह सकती। आपने किससे सुना है? अभी अभी क्लब में जोसेफ कह रहा था। जोसेफ? हाँ जोसेफ। शिवनाथ जी, आजकल ईमानदारी एक ढोंग है, दूसरों को लूटने का जरिया है। शिवनाथ बाबू को ही देखिए। शिवनाथ बाबू ने जोसेफ को रिश्वत खाते पकड़ लिया है, लेकिन अपनी लड़की को शंकर बाबू के पीछे लगा रखा है। अरे आदमी को बदलते हुए देर नहीं लगती, रुपया चीज ही ऐसी है। अरे नहीं नहीं, शिवनाथ बाबू तो देवता है।
सब। ईमानदारी भी जरा बेईमानी। ये तुमने क्या खबरें उड़ा रखी? मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या खबर? बकवास मत करो, किसी शरीफ आदमी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर कौन शरीफ, कैसी बदनामी? ये शंकर और शोभना के बारे में तुमने क्या अफवाहें उड़ाई है? शंकर और शोभना अगर आपस में प्यार करे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लागे नॉट ए क्राइम, यानी कि मोहब्बत गुनाह नहीं है। तुम्हें साबित करना होगा, चलो मेरे साथ। मगर सर मेरी बात सुनिए, आशिक और माशूक के झगड़े में आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? देखिए करे दाढ़ी वाला और भरे मूंछ वाला। बकवास मत करो, चलो मेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अभी जोधव झूठ बोलता है भला? क्या तुम ऐसा कीजिए, अभी पता चल जाए। मेरा बाजू कमजोर है। शोभना, जोधव जो कहता क्या ये सच है? क्या तुम शंकर को चाहती हो? चुप क्यों हो? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि तुम्हें शंकर से प्यार है? शोभना कहो ये झूठ है, कहो। अगर सच हो तो शोभना, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी शोभना कि तुम इस तरह मेरे मुंह पर कालिख लगा दोगी। बाबा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने प्रेम किया है और प्रेम पाप नहीं। लेकिन तुम्हारा प्रेम पाप है शोभना। आखिर क्यों, इसमें पाप की क्या बात है? हम तो जीवन साथी बनने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आने वाले थे। ये आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बाबा? इसलिए कि शंकर के पिता ने मरते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं अपने हाथों शंकर की शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करूंगा। यही उनकी वसीयत में लिखा है और यही उनकी धर्मपत्नी की भी आखिरी ख्वाहिश थी। मरते हुए दोस्त को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकता शोभना। लेकिन आपने पहले कभी मुझसे ये भूल हो गई। ये मुझे बहुत पहले तुम्हें बता देना चाहिए था कि शंकर किसी और का है। लेकिन ट्रस्टी के फर्ज में खोकर मैं बाप के फर्ज को भूल गया। अब तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया, अब क्या जवाब है तुम्हारा? इसका जवाब मैं देती हूँ बाप जी। शोभना और शंकर में अनजाने में प्यार हो गया। अगर आपने इनके प्यार को तोड़ दिया तो ये उम्र भर तड़पते रहेंगे। और अगर ये प्यार ना तोड़ा गया तो रमाकांत की आत्मा तड़पती रहेगी। हितेंद्र बाबू आप यहाँ? आप घबरा क्यों गए? इसलिए कि आपकी साजिश पकड़ी गई? हितेंद्र बाबू भला हो वकील शर्मा का जिसने मुझे तार देकर बुला लिया और सब कुछ बता दिया। अपने स्वर्गवासी दोस्त की जायदाद पर कब्जा करने के लिए आपने अपनी बेटी को खूब सबक सिखलाया और उसने अपनी अदाओं से जादू करके भोले भाले शंकर को अपने जाल में फंसा लिया। हितेंद्र, इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कहूंगा, जरूर कहूंगा। कलकत्ते की अच्छी भली नौकरी छोड़कर आपने ट्रस्टी बनना कबूल किया। क्यों? शोभना शंकर के साथ आजादी से घूमती रही और आप आंखें बंद किए रहे। क्यों? आपने एक तीर से दो निशाने किए, एहसान का एहसान और दौलत की दौलत। लेकिन याद रहे, मैं आपकी दाल नहीं गलने दूंगा। मेरी बेटी रीटा के लिए कितने ही लखपतियों के रिश्ते आए, मैंने सबको ठुकरा दिया और उसे अपने दोस्त रमाकांत की आखिरी आरजू का वास्ता देकर शंकर से शादी करने के लिए राजी किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप अपना जाल पहले ही बिछा चुके हैं। बोलते ही जाइएगा या किसी की कुछ सुनिएगा भी? बहुत सुन चुका मैं। ओहो, जाओ कर लो अपनी बेटी की शादी, कर लो अपने मरे हुए दोस्त की दौलत पर कब्जा और सेठ शिवनाथ बनकर सीना तान कर घूमते फिरो। भले ही लोग उंगलियां उठा उठा कर कहे वो जा रहा है गद्दार बेईमान शिवनाथ जिसने अपनी बेटी की आबरू बेचकर। जाता हूँ और तुम्हारी मनु सूरत देखने कभी नहीं आऊंगा। सुन लिया तुमने? क्या तुम एक गद्दार बेईमान बाप की बेटी कहना ना पसंद करोगी? क्या तुम चाहती हो कि लोग मेरे मुंह पर थूके? क्या तुम चाहती हो कि मेरी इज्जत का खून तुम्हारी मान का सिंदूर बने? अगर तुम यही चाहती हो तो शंकर से शादी करने की तुम्हें पूरी आजादी, मगर याद रखो उधर तुम्हारी डोली उठेगी और इधर तुम्हारे बाप की अर्थी। आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं?
उजाला तुम ही कर सकते हो बेटा। क्या चाचा जी? कुछ नहीं, एक बार तुम मुझे बोनस देना चाहते थे ना। हाँ चाचा जी, आज मैं वही बोनस लेने आया हूँ बेटा। मेरी खुशनसीबी है चाचा जी, आपके एहसान है मुझ पर, आप मेरे लिए पिता का साया है चाचा जी। मैं वो वाक्य जिंदगी भर नहीं भूल सकता जब आप कंपनी का थोड़ा सा माल बचाने के लिए अपनी जान से खेलने के लिए तैयार हो गए। तो बोनस दोगे ना बेटा? मैंने कह दिया ना चाचा जी, मेरा सब कुछ आपका है। तो मैं ये बोनस मांगता हूँ कि तुम अपनी शादी हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से करोगे। चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम हितेंद्र बाबू की बेटी रीटा से शादी करोगे। लेकिन क्यों? तुम मुझे बोनस देने का वादा कर चुके हो, अब तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। ये शादी ही मेरा बोनस है और यही मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की आत्मा मांग रही है, हमारी बरसों की दोस्ती मांग रही है। ये तुम्हारे पिता की वसीयत और माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन मेरी भी तो कोई ख्वाहिश है, मेरी भी तो कोई आरजू है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। मैं शोभना से प्यार करता हूँ और शोभना मुझसे। मैं जानता हूँ, मैं शोभना का बाप हूँ, मेरे पहलू में दिल है पत्थर का टुकड़ा नहीं, मेरी भी कुछ आरजू। मगर आज मेरी आरजू रमाकांत की आरजू से टकरा रही है। आज मेरा दोस्त जिंदा होता तो तुम्हारे लिए मैं उसके फैसले को भी बदलवा देता, मगर वो आज नहीं, और उसका फैसला नहीं बदला जा सकता, उसकी आरजू अटल। हमारी मोहब्बत भी अटल है चाचा जी, पर बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकती है। मगर मैं हितेंद्र को क्या मुंह दिखाऊंगा, सारे संसार को कैसे समझाऊंगा? लोग यही कहेंगे कि शंकर से अपनी बेटी की शादी करके शिवनाथ ने रमाकांत और हितेंद्र दोनों को धोखा दिया, ट्रस्टी बनकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। नहीं शंकर, तुम्हें यह शादी करनी होगी और लग्न मंडप पर रीटा होगी, नहीं तो शिवनाथ की लाश। ये मेरा आखिरी फैसला है। चाचा जी आप तीन जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। चाचा जी बस मिटा दिया ना। मैंने नहीं, किस्मत ने मिटा दिया, लेकिन मैं ऐसे मिटने नहीं दूंगा। किस्मत से ना लड़ो शंकर, अपनी किस्मत अपने हाथों में शोभना, अब भी तुम चाहो तो अपने पिता की ख्वाहिश को तुम कैसे ठुकरा सकोगे? अपने पिता की आत्मा से मैं तुम्हें मांग लूंगा। नहीं, लेकिन मैं अपने पिता के दिल को नहीं तोड़ सकती। तो क्या मोहब्बत का रिश्ता तोड़ दोगी? मजबूरी है, मेरी किस्मत में यही लिखा है शंकर, कि मैं प्यार की हरियाली छोड़कर फर्ज के रास्ते पर चलो। मुझे भूल जाओ शंकर। नहीं शोभना, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता शोभना। बलिदान में धोखा नहीं किया जा सकता, तुम्हें मुझे भूलना ही होगा शंकर, तुम्हें मुझे भूलना ही होगा शोभना। आदरणीय हितेंद्र बाबू, उस दिन जो कुछ हुआ वो दो दुश्मनों की लड़ाई नहीं बल्कि दो दोस्तों की गलत फहमी थी। शंकर की शादी रीटा से ही होगी, मैं शोभना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ।
बचपन की मोहब्बत बहुत गहरी होती है बाबूजी, इंसान उसे उम्र भर नहीं भूल सकता। शंकर और शोभना को जुदा ना कीजिए बाबूजी। मेरी उन्हें जुदा तो होना ही होगा, दूर दूर रहकर वो धीरे धीरे एक दूसरे को भूल जाएंगे। मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर शोभना के हाथ पीले कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ करना बेटी। मेरी बेटी शोभना का पता लगा। दादाजी क्या हो गया आपको, कहते हैं डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। दादाजी शोभना का? शोभना का कुछ पता नहीं बेटा, भगवान जाने कहाँ है इस हाल में। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, शोभना यहीं कहीं होगी,
मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। जाओ बेटा, मेरी फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, जल्दी जाओ बेटा। जी कोई औरत बेहोश पड़ी है, चलो किनारे ले चलो। सांस तो चल रही है, चलो जल्दी ले चलो।
कहाँ जाना है बाबूजी? कहीं नहीं जाना है भाई। जरा माचिस दो। ये लालटेन है ना बाबूजी? कहाँ है कुछ खबर नहीं। शंकर, अगर वो जिंदा होती तो उसका पता ठिकाना कुछ तो मिलता। वर्कर्स ने सारी नदी छान मारी, उसका कुछ पता नहीं। मैंने उसे मार डाला। मरने वाले तो एक्सीडेंट से मरे हैं, मैंने उसे एक्सीडेंट से पहले मार समझते हैं कि मैं मर चुकी। अच्छा ही तो है मैं शंकर की जिंदगी से दूर चली जाऊं। धीरे धीरे वो मुझे भूल जाएंगे। उनकी जिंदगी में शायद खुशी लौट आए। उनकी खुशी के लिए जीते जी भी मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। सिस्टर, ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। इनके हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई। आउटडोर पेशेंट्स में इनका नाम दर्ज कर लो। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी, जी, कमला। कमला, बस अभी अभी थोड़ी सी मरहम पट्टी के बाद तुम्हें छुट्टी हो जाएगी और फिर तुम जा सकती हो। मगर मैं जाऊंगी कहाँ? अपने घर। इस दुनिया में मेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मुझे कहो, कहो बेटी। डॉक्टर साहब, अब मुझे यही रहने दीजिए। इन मरीजों की सेवा में मैं अपनी बाकी जिंदगी नहीं गुजार दूंगी। अच्छा कमला, इस बात पर फिर गौर करेंगे। यानी कि तुम नर्स बनना चाहती हो? इतनी कीमती सिगरेट सार आपने फुल्ली फेंक दिए हैं? हाँ, व्हाट ए स्मेल है, व्हाट ए पफ है। सर, आजकल आप कुछ खोए खोए से रहते हैं। मच वरी, बट डोंट वरी सर, मैं आपके लिए दवा लाया हूँ सर। लिक्विड गोल्ड है सर, ये ऐसी दवा है कि दवा अंदर और गम बाहर, बस इन और आउट वाला मामला है। लो, मैं ग्लास दे दूँ आपके लिए, कुछ ग्लास। निकल जाओ यहाँ से। सर, ये आपने क्या किया? मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ। अच्छा भला कर रहे हो, मालिक के नमक का ये बदला दे रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी, मुझे तुम्हारी खबरदार, मेरी कसम ना खाना। कितनी बार कसम खाई और तोड़ दी,
आप छोटे बाबू को भी अपने जैसा बनाना चाहते हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा मुझे अभी तक कोई करेक्ट नहीं समझा। मेरी मैरी भी मुझे नहीं समझी। माय लक माय गुड। शंकर, खुदावन जो करता है उसके आगे इंसान की कुछ नहीं चलती। जो हुआ उसे भूल जा। शिवनाथ बाबू की कई चिट्ठियां आई हैं। अब तुम्हें रीता से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं आंटी, हरगिज नहीं। मैं शोभना की याद में सारी जिंदगी गुजार दूंगा। शंकर, मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ, लेकिन अब चारा ही क्या है? शोभना बेचारी तो दुनिया से उठ गई। अब शिवनाथ बाबू की बात मान लो। कैसे मान लूं आंटी? अगर मानने वाली बात होती तो तभी मान लिया होता। आंटी, मुझे मजबूर ना करो। मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ये इच्छा सिर्फ शिवनाथ बाबू की नहीं, तुम्हारी माँ की भी आखिरी इच्छा यही थी और तुम्हारे पिता की भी, और इसीलिए शोभना ने भी अपना बलिदान दिया। क्या तुम ये चाहते हो कि शोभना का बलिदान नकारा जाए? नहीं आंटी, नहीं। तो फिर मैं आज ही शिवनाथ बाबू को चिट्ठी लिखती हूँ। मैं इस घर को उजड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें रीता से शादी करनी ही होगी। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वहीं खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। Oh,
मुश्किले कूदते मेरा दामन, गमे इश्किले कूदते मेरा दामन, मैं अपनी लगी हूँ बुझाने चला हूँ, बुझाने चला हूँ तेरी याद दिल से बुलाने चला हूँ, के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। आपकी जिंदगी का मकसद खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। मेरी की चिट्ठी आई है, उसने शंकर को शादी के लिए राजी कर लिया है, लेकिन लेकिन क्या? शंकर इस शर्त पर राजी हुआ है कि शादी के बाद भी आप उसके साथ रहेंगे। मगर रमाकांत को दिया हुआ वचन तो मैंने पूरा कर दिया। शंकर अब जवान है, उसकी शादी हो रही है, ट्रस्टी का फर्ज अब खत्म हो गया। शंकर का कहना है ट्रस्टी ट्रस्ट छोड़ सकता है, मेरा चाचा मुझे नहीं छोड़ सकता। अगर आपने वहां रहने से इनकार कर दिया तो मुझे डर है कि शंकर भी शादी से इनकार कर देगा। मेरी ने मुझे भी यही लिखा है, लेकिन मैं क्या करूं? आप चाहते हैं मैं वहां रहूं और कदम कदम पर मुझे शोभना की याद सताती रहे, ये नहीं हो सकता हितेंद्र बाबू। मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। आप इंसान हैं, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं। अब रीता को ही अपनी बेटी समझिए। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं शिवनाथ बाबू, लेकिन शंकर के जज्बात को भी तो समझना चाहिए। जिस शंकर को पाल पोसकर आपने इतना बड़ा किया, वो आपको अकेले कैसे छोड़ सकता है? अगर आप वहां रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। अच्छा, अगर शंकर और आपकी यही इच्छा है तो जिंदगी के बाकी दिन शंकर के साथ ही गुजार दूंगा। डैडी, आओ बेटी आओ। डैडी, मैं इंडिया क्लब जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, इनसे मिलो, ये तुम्हारे अंकल हैं शिवनाथ बाबू। नमस्ते जी। डैडी, आज क्लब में नूतन नारी सभा की तरफ से मेरे ऑनर में पार्टी हो रही है, लगभग 3,000 रुपए का खर्चा आएगा। सभा के पास रुपए नहीं थे, मैंने कहा मैं ही दे दूंगी। बेटी, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारे ही पैसों से? अजय, आजकल सब चलता है, हम आप पुराने जमाने के आदमी हैं, ये मॉडर्न लाइफ है। अच्छा बेटी, मैं मैनेजर से कह दूंगा, वो 3,000 रुपए भिजवा देगा। थैंक यू डैडी, बाय। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग सिस्टर। कमला। यस डॉक्टर साहब, नंबर 11 अच्छा है, नंबर 13 को टेम्परेचर था पर अब नॉर्मल है, नंबर 7 को रात भर सर्दी और खांसी की तकलीफ रही, ये लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सुना है कमला, तुम रात भर जागती रही। बेटी, तुम तो जिंदा रहना नहीं चाहती थी, अब देखा तुमने इंसान की जिंदगी कितनी कीमती है, तो दूसरों की सेवा करके उन्हें सुख पहुंचा सकती है, शांति दे सकती है। फिर तुम तो इस सेवा में इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें अपना होश ही नहीं रहता। इसमें मेरी तारीफ की कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, सेवा भाव तो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। हेलो डॉक्टर दिनेश हियर। यस स्पीकिंग। आज शाम को लेट मी सी, आज शाम को मुझे एक शादी में जाना था। जी हाँ, है? ऐसी बात है? अच्छा तो फिर रखिए आज शाम को ऑपरेशन। ओ प्लीज डोंट मेंशन। कमला, मुझे आज शाम को एक शादी में जाना था, लेकिन इस अर्जेंट ऑपरेशन की वजह से मैं जा नहीं सकूंगा। बेटी, तुम चली जाओ। जी, एड्रेस? एड्रेस? हाँ, एड्रेस मैं बताता हूँ। ये रहा नेशनल क्लब, 32 पार्क स्ट्रीट। नेशनल क्लब 32। ये देखो। जी नहीं, मुझे याद रहेगा। अच्छा तो ठीक है। और हाँ देखो, मेरी तरफ से दुल्हन को ये तोहफा दे देना और कहना कि डॉक्टर ने माफी मांगी है, वो आ नहीं सकेंगे।
बहुत अच्छा। और सुनो, मेरी गाड़ी लेती जाना। जी अच्छा। हेलो जी, वेलकम। हेलो, गुड नाइट। हेलो जी, सोचा शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। I don't mind। रीटा, इतने गला मत खुला रखा करो, सर्दी लग जाएगी। ये डालो। रहने दो, मैं इतनी नाजुक नहीं। तुम्हें यहाँ के मौसम का पता नहीं? मौसम का पता तो लगते लगते लग ही जाएगा। और ये ईरानी स्टोर्स मुंबई वालों को कहीं है कुछ 730, तो आप ये दस्तखत करें। इधर इधर। डिक्लेयर्ड, व्हाट अ प्लेयर। शंकर साहब कभी नहीं आते? उन्हें रमी खेलने नहीं आते। लिटिल बेबी। गुड मॉर्निंग सर, ये 2000 रुपया बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। वो बुरा शिवनाथ बड़ी खिट खिट करता है। Oh, don't bother. पार्टी शानदार होनी चाहिए। Yes, sir. सर नहीं, मैडम। मैडम। मिस्टर जोसेफ, पिकनिक का इंतजाम कर दिया है ना? Oh, yes, ma'am. Wonderful किया जी। Thank you. जग्गू, मोहते सिंह, राधिक, उफ, कोई नहीं सुनता, सब नए नौकर रख लिए, एक भी पुराना आदमी नहीं। मैम साहब कहाँ? मालूम सरकार। मैम साहब को दोपहर का खाना भेजने के लिए क्या गया था, क्यों नहीं भेजा? मैम साहब कुछ कह के नहीं गए सरकार, न जाने सुबह से कहीं चला गया। चला गया, चलो काम करो अपना। न जाने कहाँ। डार्लिंग, बड़ा मजा आया पिकनिक में, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत भूखा हूँ। बेटा, आज तुमने लंच क्यों नहीं भेजा? ओह, आई एम सॉरी डार्लिंग, ये कहना तो मैं भूल ही गई, मंगवा लेते किसी से। हाँ शंकर, कल मैं कलकत्ते जा रही हूँ। कलकत्ते जा रही? हाँ। क्यों? वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हैं। परसों बेबी शो में प्राइज देना है, फिर विमेंस कॉलेज में मेरा लेक्चर है।
जिसका सब्जेक्ट है हाउ टू बी हैप्पी दो मैन, शादी करके भी इंसान कैसे सुखी रह सकता है। इसी तरह और फिर रेडियो पर मेरा टॉक है आदर्श पत्नी कैसी होती है। ओह वंडरफुल वंडरफुल। और शंकर उसके बाद? और उसके बाद मुझे खाना मिलेगा? ये क्या मजाक कर रहे हो, राधे से मंगवा लो ना डार्लिंग, मैं तब तक चेंज कर रहा हूँ। ओह यस थैंक यू डार्लिंग। ओह मेंशन नॉट। गुड आफ्टरनून सर, मेम साहब ने अभी अभी क्लब में 5,000 रुपया मंगवाया है। 5,000 रुपए? यस सर, 5,000 ओनली। आप तो उनकी सोशल लाइफ जानते हैं, रेस रम्मी कॉकटेल पार्टियां समाज सेवा, बड़े बाप की इकलौती बेटी हैं, इसलिए उन्होंने क्लब में प्राइज अपनी तरफ से बांटने के लिए 5,000 रुपया मंगवाया है। ये सब कैसे हो सकता है? रीता देवी के नाम पिछले 6 महीनों में 25,000 रुपए सस्पेंस अकाउंट में लिखे हुए, अभी तक किसी का हिसाब किताब नहीं मिला। मैंने शंकर से भी बात नहीं की, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मगर सर आप इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हैं? यहाँ 25,000 लिखा है, वहाँ 5,000 और ऐड कर दीजिए, मुझे रुपया दीजिए, नहीं तो मेम साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अच्छा मैं खुद जाऊंगा। आप खुद जाएंगे और क्या? ऑल राइट, आप जाने और वो जाने, मुझे क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब से हमारे शहर दार्जिलिंग में मिसेस रीटा शंकर तशरीफ लाई है, हमारे क्लब की शान दोबाला हो गई है। दार्जिलिंग के सोशल सर्कल में एक नई जिंदगी आ गई है। आज क्लब के सालाना जलसे के सिलसिले में पहले आप सबके सामने मिस डॉली एंड पार्टी का डांस पेश किया जाएगा और उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगी, जिसके लिए मिसेस रीटा ने अपनी तरफ से 5,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। फर्स्ट प्राइज 2,500, सेकंड प्राइज 1,500 और थर्ड प्राइज 1,000। थ्री चेयर्स फॉर मिसेस रीटा। Let's go.
निभाऊं, मेरा बस यही काम है। जरा मेरे साथ चलिए, कुछ बात करनी है। I'm awfully busy, Mr. Shimla. मेरे पास बातों के लिए वक्त नहीं। बेटी, बुरा ना मानना, इस तरह के नाच जलसे में शामिल होना तुम्हारे खानदान को शोभा नहीं देता। This is none of your business. आप ये लेक्चर देने के लिए आए हैं? लाइए रुपया। मैं रुपया नहीं लाया। What? क्यों नहीं लाया? ये रुपया मेरे पास शंकर के पिता की अमानत है। पहले भी तुम्हारे हाथ से 25,000 रुपए खर्च हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं ऐसी फजूल बातों के लिए 5,000 रुपए और नहीं दे सकता। What nonsense! ऐसी बातें करने वाले तुम कौन होते हो? ये रुपया मेरा है। तुम एक तनख्वाह पाने वाले नौकर हो, मेयर सर्वेंट। फौरन जाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रुपया मिलना चाहिए, समझे? मैं रुपया नहीं दे सकता। मैं तुम्हें नौकरी से जवाब देती हूँ। रीटा, तमीज से बात करो, आप मेरे बुजुर्ग होंगे। ये मेरा नौकर है और इसने क्लब में मेरी इंसल्ट की। रीटा, क्या बात है मिस शंकर? आगे हुआ क्या रीटा देवी? आप लोग जाइए, ये हमारा जाती मामला है। जाते क्यों नहीं आप लोग? शंकर, बिहेव योरसेल्फ। तुम मेरे दोस्तों का अपमान कर रहे हो। और तुमने मेरे पिता के समान बुजुर्ग का अपमान किया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो और उनसे चल के माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी मांगू, मैं खूब समझती हूँ। अपनी बेटी शोभना के जरिए ये तुम्हारी दौलत हड़प लेना चाहता है। रीटा, इसकी बेटी मर गई लेकिन इस बुड्ढे की लालच नहीं मरी। क्या कर रहे हो? होश में आओ बेटा, बहू पे हाथ नहीं उठा। शट अप, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुमने मुझे मारा इस दलील बुड्ढे के लिए? अगर ये अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर न गया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। या ये बुड्ढा रहेगा या मैं रहूंगी। कान खोल कर सुन लो, ये यहाँ से किसी हालत में नहीं जाएंगे। ये नौकर नहीं, मेरे पिता हैं। पिता? हाँ, पिता। इस तरह से घर छोड़कर ना चाहिए, छोटे बाबू का क्या होगा, इस घर की इज्जत का क्या होगा? शट अप, एक नौकरानी का इतना हौसला? रीता देवी, आप माँ बनने वाली हैं। बच्चा बाप के घर में पैदा हो तो खुदावंत की रहमत होती है। यू माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं। रीता देवी, तुझको है पता जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। सर, शिवनाथ बाबू ने आपके लिए ये लेटर भेजा है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से पति पत्नी में झगड़ा हो। तुम्हारी शादी हो चुकी, मेरा फर्ज अदा हो चुका। घर की बहू घर से चली जाए उससे मेरा जाना ही अच्छा है। हाँ शंकर, मैं ठीक कहती हूँ।
बाबूजी ने बताया है जो मर जाते हैं वो सितारे बन जाते हैं। लेकिन शोना ये सितारे तो कभी कभी टूट जाते हैं। रोता है ना तो रोने से सितारे टूट जाते हैं। तुम रो मत शंकर। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का, फूक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोट दे अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। मौत है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी, कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी, कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला।
मैं वापस आ जाऊंगा। अरे मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा बच्चों जितने करते। अरे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा भाई हम नहीं जाते। बस बस तुम्हारे डैडी को कुछ काम है, उन्हें जाने दो बेटा। बेचारे तुम्हारे लिए हर महीने यहाँ आया। तो फिर डैडी तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? हमारे दोस्त बाहर आए। नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। डैडी मुझे पकड़ लेना। डैडी मुन्ना ठीक ही तो कहता है शंकर, दार्जिलिंग से यहाँ आने की हर महीने तुम्हें तकलीफ ही तो रहती है, इससे तो बेहतर ये है कि तुम यहीं रहो। मुझे दार्जिलिंग से कुछ लगाव सा है, और फिर बिजनेस भी तो वहीं। अब बिजनेस तो होता ही रहेगा, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ रहने से रीटा भी खुश रहे। जी वो तो मेरे बगैर भी खुश रहती, उसके लिए मेरा यहाँ रहना या दार्जिलिंग में रहना एक बराबर है। शायद वो ये भी नहीं जानती कि मैं आज जा रहा हूँ। ये तो अच्छी तरह जानती है, अभी अभी उसका टेलीफोन आया था कि वुमेन कॉन्फ्रेंस का सेशन शाम तक चलेगा, वो तुमको सी ऑफ नहीं कर सकेगी, उसने तुमसे माफी मांगी है। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। आप सारे संसार में ढूंढाइए हमारे देश की नारियों के समान पतिव्रता की मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी। सीता माता ने 14 वर्षों तक वन वन में अपने पति के साथ हर संकट का मुकाबला किया, और सती सावित्री ने तो यमराज के हाथ से अपने पति को छीन लिया। तो बहनों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम भारतीय नारियों का सबसे बड़ा आदर्श पति भक्ति होना चाहिए, पति सेवा होना चाहिए। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। महिला प्रगति संघ के इस अधिवेशन के उद्घाटन का जो आपने मुझे शुभ अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। क्या हुआ रमेश को? सीढ़ियों से गिर गया। मैं डैडी के पास जाऊंगा। हां बेटा इधर आओ। मैं डैडी के पास जाऊंगा। आई 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 फ्रैक्चर मालूम होता है। ये कैसे गिरा रमेश? मैं घर का काम कर रही थी। डैडी के पास गिर गया। रीटा कहां थी? चलो मैं डैडी के पास बाहर गई हूं। क्या मां है? यस डॉक्टर। कमला इसे चिल्ड्रन वार्ड में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। जा बेटा। ये अंगूठा चूसने का वक्त नहीं, दवा पीने का वक्त है। लो, दवा पी। मैं नहीं पीऊंगा, बहुत कड़ी है। नहीं पियोगे? नहीं। अच्छा मत पियो। कहानी सुनोगे? कहानी सुनूंगा। तो फिर सुनो। एक घर में ना बहुत से चूहे रहते थे, वहाँ एक मोटी ताजी बिल्ली भी रहती थी। वो रोज एक एक चूहे को पकड़े मारे और खा जाए। चूहे लोग परेशान हो गए, वो सोचने लगे अब क्या किया जाए। वहाँ एक बूढ़ा चूहा बैठा था, उसने कहा अरे भाई तुम लोग क्यों परेशान होते हो, क्यों घबराते हो? इस घर में एक ताकत की दवा पड़ी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, हम क्यों ना उस दवा को पी जाएं और पीकर हट्टे कट्टे होकर उस बिल्ली को मार डालें। तो फिर सब चूहे मिलकर उस दवा को पी गए। कैसे पी गए? ऐसे मुंह को लगाया और घट 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 पी गए। शाबाश। आंटी फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, चूहों ने ताकत की दवा पी ली और हमारे बाबा ने अपनी दवा पी ली, बस कहानी खत्म। आंटी तुम बड़े चलाको, कहानी तो पूरी सुनाई नहीं, ऊपर से मुझे दवाई पिला दी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, नाराज नहीं हुआ करती हूँ। रमेश माय डार्लिंग, मेरे बेटे ये तुम्हें क्या हो गया? माय डार्लिंग मम्मी तुम कहाँ थे? मैं गिर गया था। बेटी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, क्यों डॉक्टर? हाँ हम तो ठीक कर ही देंगे, लेकिन आप भी तो उसका ख्याल रखा करें। आप सोशल सर्विसेज में बहुत रहती है ना? जी हाँ, यहाँ सोशल सर्विस की बहुत जरूरत है। हाँ। सुबह रेडियो पर मेरा टॉक था, फिर शाम को औरतों की मीटिंग थी,
बच्चों के पालने के विषय में। आपको मालूम नहीं डॉक्टर साहब, हमारे देश की औरतें कितनी बेपरवाह होती हैं। जी हाँ, ये तो जाहिर ही है। मम्मी। हाँ बेटी। डैडी कहाँ है? आ जाएंगे बेटे, डैडी आ जाएंगे। डैडी आए क्यों नहीं, मुझे उनके पास ले चलो। ले जाऊंगी, जरूर ले जाऊंगी। डॉक्टर, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं? नहीं, हाथ की हड्डी में थोड़ा सा क्रैक है और सर में थोड़ी सी चोट आई है। कम से कम एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कोई खतरे की तो बात नहीं, अगर मेरे रहने की जरूरत हो तो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, घर पे कुछ मेहमानों को पार्टी में बुला लिया है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। ओह, इज दैट सो? तब तो आपको जरूर जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा बेटे, मैं चलती हूँ। डैडी को आते भेज देना। जरूर भेज दूंगी। सिस्टर, बाबा का ख्याल रखना, आप चिंता ना करें, बस ऐसा समझिए कि ये मेरा ही बेटा है। अच्छा बेटा, बाय बाय। टाटा। गुड नाइट कमला। गुड नाइट डॉक्टर। रमेश, मुन्ना, रमेश, रमेश, मुन्ना, रमेश, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। रीटा। ओह शंकर, आओ बेटा। रीटा जरा काम में है, एक स्पीच लिख रही है। लेकिन मुन्ना कहाँ है? मुन्ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ उसे? सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई। तुम घबराओ नहीं बेटा। रीटा, रीटा, कैसे गिर गया रमेश? तुम कहाँ थी? रेडियो पर कॉन्फ्रेंस में क्लब में फंस गई तुम। आपने तो खैर सर पे उठा लिया, सारी स्पीच का सत्यानाश कर दिया। मुन्ना ठीक है, हॉस्पिटल में। और तुम यहाँ, तुम्हें इस वक्त उसके पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तुम माँ हो कि क्या हो? मैं माँ, नर्स नहीं। You shut up! कैसे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो गया रमेश? आप कब आ गए? मैं अभी आया हूँ बेटा। डैडी, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ बेटा। डैडी, कमला आंटी है ना, वो बहुत अच्छे, उन्हें भी साथ ले चलो। अरे बेटा, कमला आंटी का मैं तेरे लिए सारा हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप ही का नाम कमला है? जी नहीं, वो दूसरी नर्स है, उसने इस बच्चे की बहुत देखभाल की है। कमला। ओ इंदिरा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। रमेश कैसा है? अच्छा है डॉक्टर। थैंक यू। बेटा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। क्यों डॉक्टर साहब? क्यों रमेश, बस अब दो चार रोज में तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी और फिर छुट्टी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका यहाँ जी नहीं लगता, इसलिए आज मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। घर ले जाना चाहता हूँ? शंकर, अभी इसकी देखभाल की बहुत जरूरत है। बच्चा है, घर में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, और फिर डिसलोकेशन हो गई तो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा। और अगर आप मेरे साथ कमला देवी को भेज सकें तो आपकी मेहरबानी होगी। आज तुम जल्दी वापस आ गए? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा कमला, देखो मिस्टर शंकर अपने बच्चे रमेश की देखभाल के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं उनके साथ नहीं जा सकती, सारी बात बिगड़ जाएगी। क्या मतलब? जी जी जी, मेरा मतलब यह है कि रमेश बड़े मुश्किल से ठीक हुआ है और घर पर उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी नहीं हो सकती। आप उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहने दीजिए, मैं उसे बिल्कुल अच्छा कर दूंगी। ओह इट्स परफेक्टली ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट, मैं शंकर से कह दूंगा। क्वाइट ऑलराइट। देखो रमेश,
अब आंखें बंद करके सो जाओ चुपचाप। नींद नहीं आती आंटी। नींद नहीं आती? कहानी सुनो। नहीं, तुम तो कहानी सुना के दवा पिला देती हो। तो फिर क्या करूं? एक गाना सुना। गाना? क्या तुम्हें गाना नहीं आता आंटी? आता था किसी जमाने में, लेकिन अब मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। नहीं आंटी, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा सुनाती हूँ। एक था राजा, एक थी रानी। फिर कहानी। थी रानी, आओ सुनाऊं उनकी कहानी।
कृष्ण वेर ढलकी ढलकी ना इन्नो होला यो कलिमा जो जानू बेच मेरे साहब। क्या है भाई, हमारा शराब का पैसे निकालो, मालूम है 700 रुपया हो गया, ढेर दबे हम तुम्हारा घर में गया, तुम छुप जाता है। अरे भाई तुम्हें किसने कहा था कि मुझे इतना उधार दो, कसूर तुम्हारा है, आई मीन फॉल्ट इज योर। हमारा कसूर है? हाँ। अभी बता। हाँ, हाँ, शरीफ आदमी आधा भाई नहीं करते छोड़ते, आज हम तुमको नहीं छोड़ेगा। अरे बाबा तुम्हें 700 रुपया चाहिए ना? हाँ, छोड़ देता हूँ। तुम भाई कितने हो? भाई हाँ भाई, एक भाई लड़ाई में है और एक भाई पागलखाने में, एक भाई जेल में है और एक भाई मैं। मगर कुल कितने हुए? चार। चार हुए ना, तो हाथ आगे बढ़ाओ, चार बोला था ना, तो ये 5, ये 6 और ये हुए 7, पूरे 700 रुपए हो गए ना। अच्छा, राम राम। 100, 200, 300। ए मेरे जैन साहब, क्या हुआ भाई? तुम हमसे धोखा करता है, गिनाता है 700 और देता है 300। ये कैसे हो सकता है 300 भाई, हमने तुम्हें पूरा 700 गिनाया था? नहीं गिना था, मगर ये देखो सिर्फ 300 है। हाँ, फिर गिनती कर लेता है। देखो हमारे दोनों साहब गए हुए हैं कलकत्ते, गए रीटा मैम साहब भी गई है कलकत्ते, गई कलकत्ते। कितने गए? 3 गए। 3 गए, एक तुम यहाँ हो कितने हुए? 4 और एक मैं यहाँ हूँ कितने हुए? 5। 5 हुए ना। हाथ आगे बढ़ाओ, ये 6, ये 7, हो गए पूरे 700। अब घाट को जाते हैं। 100, 200। ओ माय गॉड, अब 300 से 200 कर दिया? क्यों बार बार काउंटिंग में गड़बड़ करते हो भाई, तुम तो मुझे भी अरिथमेटिक बुलवा दोगे। हमने तुम्हें पूरे 700 गिनवाए थे या नहीं? अच्छा हाँ। तो हम भी 10 डंडे मारेंगे और गिनेंगे एक। ये देखो हमको 300 रुपए मिल गया ना, बाकी का 400 रुपए हमको सुबह तक नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारा सिर फोड़ डालेंगे। ये मामला तो बड़ा सीरियस हो गया है, इसका 400 तो वापस कर देना चाहिए, मगर इतनी रकम का अरेंजमेंट। What a brain, Mr. Singh. Very good. सब ठीक है ना? Yes, okay, okay. ला 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 ला। 2000 पूरा है ना? Yes. बस आज मैं भी खुश हूँ और तुम भी हैप्पी रहो, है? मेरी हैडीली तरी। लेकिन जोसेफ, क्या हुआ? आज तो कोई रोकने वाला नहीं। मिस्टर सिंह, तुम बड़े कमजोर दिल के आदमी हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई रोका भी तो गाड़ी को चालू रखो, अपने आप रास्ते जाग जाएगा। सबको अपनी जान प्यारी होती है बाबा। ओके, यस, अंडरस्टैंड। ऑलराइट 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 ऑलराइट। 2000 नाउ किंग ऑफ किंग्स। अगर कोई रोके भी तो गाड़ी को चालू रखो, अपने आप आगे से हट जाएगा। सबको अपनी जान प्यारी होती है, अंडरस्टैंड? यस। मैंने सिर्फ 2000 रुपए लिए, 2000। तुमने मेरी मैरी को ले लिया, मेरी मैरी को। लो 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 गाइस, सही सही सही, ये 2000 रुपए तुम ले लो, मगर मेरी मैरी को वापस कर लो गाइस, मेरी मैरी को वापस।
मैंने अकाउंट को 2000 रुपया वापस कर दिया। सच्ची कहता हूँ वापस कर दिया। तुम गौर से पूछ लो, अगर तुम बताओ मैरी को मैंने 2000 तुमको वापस किया या नहीं। पूछो ना। मैरी प्लीज घर चलो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैरी घर चलो। मेरी माँ को मार डाला। मैंने मेरी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मेरी शराब ने मेरी को मारा, मेरे पाप उसको खाए, मैंने नहीं मारा मेरे मैंने तो यही सुना है शंकर, मोहब्बत की राह पर चलने वालों की तकदीर में प्यार की हरियाली नहीं कांटों भरा रास्ता होता है। शोभना को बुला लिया, मां जैसे मेरी को बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे देने के लिए तुम्हारे पास शांति तो नहीं, क्या मौत भी नहीं? मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ। हेलो, आप कौन हैं? मैं यहाँ की नर्स हूँ, कमला। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ, कहिए क्या काम है? मैं रीटा देवी के घर से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि उनको जल्दी दार्जिलिंग बुलाया है। दार्जिलिंग? हाँ, वहाँ से अर्जेंट आ रहा है कि डॉक्टर साहब और रमेश बाबा को फौरन दार्जिलिंग भेज दो। रीटा देवी नारी निकेतन की मीटिंग में पटना गई हैं। हितेंद्र बाबू भी यहाँ नहीं हैं, समझ में नहीं आता क्या करूँ। लेकिन बात क्या है? शंकर बाबू सख्त बीमार हैं। जल्दी दार्जिलिंग जाना होगा। दार्जिलिंग? हाँ। क्यों? शंकर साहब बीमार है। शंकर बाबू साहब बीमार है। अभी रीता देवी के घर से टेलीफोन आया था, आपको रमेश को जल्दी बुलाया है।
और रीटा पटना गई हुई है। डॉक्टर, डॉक्टर। रीटा यहाँ है नहीं तो फिर रमेश को कैसे ले जाए, कुछ समझ में नहीं आ। मैं आपके साथ चलूंगी डॉक्टर साहब। तुम कमला? हाँ। नहीं, तुम एक जिम्मेदार नर्स हो, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मैं इंदिरा को ले जाऊंगा। नहीं डॉक्टर, नहीं, मुझे मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं। मेरा मतलब है, रमेश मुझसे बहुत हिलमिल किया है, इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा। अच्छा, तो तुम ही चलो। तुम चलोगी तो रमेश आने से इनकार नहीं करेगा। इनके दिलो दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर हुआ है। शोभना? शोभना न जाने कौन है शोभना। जी शोभना कौन है? जी मैंने सुना है शंकर और शोभना एक दूसरे से प्यार करते थे। ओ समझा, लेकिन ये शोभना है कहाँ? वो तो मर चुकी डॉक्टर साहब। मर चुकी? What a tragedy. अगर आज शोभना जिंदा होती तो शायद शंकर की जिंदगी बच जाती। मैं तुम्हें अपने पिता की आत्मा से मांग लूंगा शोभना। हाथ ना छुड़ाओ कमला, ये तुम्हें शोभना समझ रहा है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें शोभना बन जाओ, शायद हालत सुधर जाए। अगर आज शोभना जिंदा होती तो शायद शंकर की जिंदगी बच जाती। बोल मेरी तकदीर क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। शंकर Thank you.
और मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। शोभना, शोभना। मैं शोभना नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं शोभना नहीं हूँ, मैं तो कमला हूँ। शोभना, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। शंकर जिसे बार बार पुकारता था वो शोभना तुम ही हो। तुम्हारी आवाज ने उसे नई जिंदगी दे दी। आओ, अब शंकर को तुम्हारी जरूरत है। शोभना, शोभना मर चुकी डॉक्टर साहब, कभी मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। शोभना, 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 शंकर, शोभना, शंकर, शोभना, क्या कर रहे हो? जो डॉक्टर, जान से मत छेड़ो, शोभना, क्या पागल पड़े शंकर, शोभना, शोभना। शंकर बाबू को छोड़कर मत जाइए। ये फरेब रहने दो, तुम्हें शंकर से प्यार है, मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? रीता देवी, मैंने आपके लिए, आपकी खुशी के लिए हंसते हंसते उनका प्यार छोड़ दिया ताकि आप दोनों सुखी रह सके। भगवान के लिए उन्हें इस हालत में छोड़कर मत जाइए। ये
सब ढोंग है। वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे या मेरे बच्चे से नहीं। ऐसा ना कहे रीता देवी, वो तो देवता है। आपने उनके दिल को नहीं पहचाना, उनके प्यार को नहीं समझा। अगर आप अगर मैं दासी बनकर रहती तो शायद वो मुझसे प्यार करती, यही ना? स्त्री दासी नहीं, सेवा की मूर्ति है, त्याग की देवी है, प्रेम की प्रतिमा है, नारी का धर्म। शट अप! मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं, छोड़ दो मेरा रास्ता। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, ये बात है। अरे रमेश कहाँ गया? रमेश ड्राइवर जी। मैम साहब, रमेश कहाँ है? मालूम नहीं मैम साहब, मैं वहां था। कहाँ गया होगा रमेश? रमेश, रमेश। जी